अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। आज हम करने जा रहे हैं कुकिंग चैनल। तो इसमें हम बनाएंगे जी, सबसे पहले जी ये नूडल्स हैं, और उसके बाद पास्ता कलरफुल फ्लेवर्ड वर्मिसली, और उसके बाद आमलेट वगैरह। तो ये चीज़ें हम सारी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी नूडल्स। तो सबसे पहले अपना चूल्हा जलाते हैं। गैस जी हमने ऑन कर दिया, और अब इसमें पानी ऐड करते हैं। ओके ओके जी, पानी इतना काफ़ी है, और इसको पानी को 2 मिनट तक उबालेंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे ये नूडल्स। तो पानी में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं बबल्स आ गए पानी में। तो अभी नूडल्स ऐड करते हैं हम। ये जी इसका मसाला, सबसे पहले नूडल्स डालेंगे इसमें। ये है जी एक पैकेट, इसके बाद दूसरा पैकेट डालते हैं। ये इसमें थोड़ा सा चम्मच हिला लेते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी में नूडल्स को। ये जी हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है नूडल्स बनाने का और खाने का भी। और अब इसमें ये मसाला ऐड करते हैं। तो अभी जी इसमें मसाला ऐड करते हैं नूडल्स में। और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं बहुत ही मज़े के, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो अभी बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है नूडल्स की। फर्स्ट टाइम कुकिंग किया जी हमने नूडल्स। तो जी गाइस, अभी हम नूडल्स को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा जायका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं जी हम नूडल्स। जी गाइस, नूडल्स हमने बना लिए हैं और टेस्ट भी किए हैं, बहुत ही मज़े के बने। तो अब दूसरे नंबर पर आती हैं जी ये कलरफुल सेवियाँ, ये बनाएंगे। तो सेवियाँ बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम चीनी ऐड करेंगे बर्तन में, और नीचे से चूल्हा हमने जला दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद ऐड करेंगे हम घी। और साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अभी जी हम चीनी के चास बनाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, घी और चीनी वगैरह और पानी भी ऐड कर दिया है। तो ये जी हम तड़के वाली सेवियाँ बनाएंगे। तो 10-15 मिनट तक हमारी जो चास है वो रेडी हो जाएगी, उसके बाद फिर सेवियाँ हम ऐड करेंगे। तो जी गाइज, हमारी जो चास है वो तैयार हो चुकी है, और अब हम सेवियाँ ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं चास में। तो अभी जी इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, 10 से 15 मिनट तक के लिए हम ऊपर से ढाँप देंगे और इसको अच्छी तरह पकने देंगे, और उसके बाद ये हमारी सेवियाँ जो रेडी हो जाएंगी। तो अभी जी हम इसमें 5 मिनट तक चमचा हिलाएंगे इस तरह, और उसके बाद ऊपर हम दम दे देंगे। तो जी गाइस, हमारी सेवियाँ थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं,
सही नहीं बनी, हमें इनका तरीका नहीं पता था, हमारा जो प्रोग्राम वो बढ़ गया है। तो अभी इसमें हम दूध ऐड करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा सही बनेंगे। अभी इनको साइड पर रख देते हैं और उसके बाद हमारा जो अगली चीज़ है वो बनाते हैं आमलेट। और बाकी जो होना था वो तो हो गया है, प्रोग्राम बढ़ गया है, अभी इसको साइड पर करते हैं। तो जी गाइस, अभी हमने तवा ऊपर रख दिया चूल्हे के और हम बनाएंगे आमलेट। तो सबसे पहले हमने ब्रेड को गर्म करना है, दोनों साइड से ब्रेड को गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह। ब्रेड को गर्म करके साइड पर रख देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे आमलेट। और आमलेट बना कर फिर ब्रेड के ऊपर रख के आमलेट और ऊपर फिर दूसरी ब्रेड रखेंगे और मज़े से फिर खाएंगे। हम नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये भी। हम पहला जो हमने सेवियाँ बनाई हैं वो तो हमारी ख़राब हो गई थी, तो अब देखते हैं ये हमारा कैसा बनता है आमलेट विद ब्रेड। तो जी गाइस, ब्रेड हमने गर्म कर लिए और अब आमलेट बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस, एग हमारा तैयार हो गया, अब ऊपर ब्रेड के लगाते हैं एग। ये हमारा तैयार हो गया जी देसी सैंडविच, और इसके बाद दूसरा भी बनाते हैं। ओके हो गया जी। तो जी गाइस, हमारा ब्रेड वाला आमलेट तैयार हो गया, अब टेस्ट करते हैं कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार। जी गाइस, ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।